हेलो फ्रेंड्स, भावना की जगह आपको फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम सैंडविच, जो कि बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मशरूम सैंडविच बनाने के लिए हमने मशरूम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। हमने 250 ग्राम मशरूम लिए हैं और दो प्याज, दो हरी मिर्च और एक शिमला मिर्च, सबको बारीक काट लिया है। इसी तरीके से थोड़ा सा धनिया की पत्ती। अब इधर हमने पैन चढ़ा दिया है, पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसमें फिर एक चम्मच भर के तेल डाल देंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालना है। उसमें हम 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, दो हरी मिर्च, सबको अच्छे से पहले सौटे कर लेंगे। सबसे पहले लहसुन डालेंगे, लहसुन के बाद हरी मिर्च डाल के इसे बस इसका हल्का सा कलर जब चेंज हो जाएगा, इसे 30 से 40 सेकेंड तक लगातार भूनते रहेंगे चलाते हुए, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस कलर चेंज। फिर उसमें हम ये जो बारीक कटे हुए दो प्याज हैं उसमें हम डाल देंगे। पाली प्याज को भी तब तक भूनना है जब तक वो ट्रांसलूसन नहीं हो जाए बहुत ज़्यादा। इससे भी बस हल्का सा कलर देखिए इसका चेंज किया है। अब हम उसमें कटे हुए मशरूम 250 ग्राम जो हमने काट के रखे थे उसमें डाल देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि मशरूम को पतला पतला हम काटेंगे, और उसमें हम थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। ऐसे हम लगातार भूनते रहेंगे, ऐसे हम थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे, जब तक भूनते जब तक हमारा मशरूम थोड़ा पक ना जाए। मशरूम बहुत जल्दी पकता है, इसे हम ढक देंगे, ढक के 1 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद हमारा मशरूम बीच बीच में इसी तरीके से चलाते रहेंगे और उसे चेक करते रहेंगे कि हमारा मशरूम अच्छे से पका है कि नहीं। देखिए हमारा मशरूम पक गया है, और उसमें हम जब पक जाए उसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगता है, इसीलिए हम शिमला मिर्च को बाद में डालेंगे। ऐसे इसके साथ भी हम इसे भून लेंगे अच्छे से। बस शिमला मिर्च का भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्च, बस उतनी ही देर भूनना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है हमें। उसका क्रंच बना रहे ये ध्यान रखना है, इसे लगातार चलाते रहें ताकि हमारा सभी सब्जियाँ अच्छे से भून जाए। ये देखिए हमारा सब्जी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गया है, मशरूम भी पक गया है। अब हम उसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे, वो भी बारीक कटी, इसे भी अच्छे तरीके से सभी मसालों में मिला देंगे। अब हम जब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, सब हमारा भुना चुका है, इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हमारे सैंडविच की फिलिंग तैयार है। इधर हम सॉस बना लेंगे, जिसमें कि हम 4 चम्मच टोमेटो सॉस भर के 4 चम्मच डालेंगे, और फिर 2 चम्मच चिली सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं, उसका जितना टमाटो सॉस उसका आधा चिली सॉस डालेंगे, और फिर 1 चम्मच भर के सोया सॉस। सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना है, बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। ये देखिए हमारा सॉस भी तैयार है। ये हमने 4 ब्रेड ले लिए हैं, ये हमारी फिलिंग है। अब सॉस को सबसे पहले हम एक ब्रेड पे अच्छे से भर के लगा देंगे, और फिर एक पे हम वो फिलिंग जो हमने बना के रखी है मशरूम वाली, उसे भी अच्छे से भर देंगे, पूरे ब्रेड पे अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से एक एक ब्रेड पे हम सॉस लगा देंगे, उसके ऊपर रख देंगे। फिर उसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड पे भी हम पूरे पे सॉस लगा देंगे अच्छे से चारों तरफ की, ताकि अच्छे से सॉस सभी सॉसों का टेस्ट आए। और उसके बाद इसके दूसरे ब्रेड पे हम फिलिंग को भर देंगे। इसी तरीके से आप इसमें भर देना है और इसे सेक देना है, इसे इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर दें, ताकि एक दूसरे में थोड़ा चिपका रहे, इसलिए इसे थोड़ा प्रेस करके। ये देखिए हमारा तैयार है। इधर उसी पैन में हम घी डाल देंगे, आप चाहें तो बटर से भी बना सकते हैं, हमने इसे घी में सेका है। घी का भी सेका हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए हम इसे ऊपर से फिर थोड़ा घी लगा दें, अच्छे से घी लगाएं ताकि टेस्ट ज़रा अच्छा लगे, घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे सेकने के समय मीडियम फ्लेम रखें, ताकि हमारा अच्छे से क्रिस्पी बन सके ब्रेड। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसे एकदम गोल्डन ब्राउन कर लिया, जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे अलट पलट के इसी तरीके से सैंडविच को तैयार कर लेना है। उसी तरीके से हम दूसरा भी सेक लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, हमारे दोनों सैंडविचेस बन के तैयार हैं। ऐसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा अंदर से फिलिंग भरा है, इसे देखिए इसी तरीके से हम इसे काट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा अंदर पूरे से फिलिंग भरा हुआ है, ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्द बनता है। इस ठंड में आप इसे ज़रूर बनाएं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।